हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन ड्रामा रोमांटिक मूवी को, जिसका नाम है बैड गाय, जिसे 2001 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था किम की डक ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.7 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम अपने मेन कैरेक्टर हान को देखते हैं। हान एक गैंगस्टर होता है और वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाता है। हान जब सिटी में घूम रहा होता है, तब उसे हमारी दूसरी मेन कैरेक्टर सुन दिखती है। सुन को देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। फिर वो सुन के पास जाकर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। फिर सुन फ़ोन पर बात करती है और उसका बॉयफ्रेंड 5 मिनट में आने वाला होता है। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और जब वो वहाँ से जा रही होती है, तब हान उठकर उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है। इसके बाद सुन हंगामा खड़ा कर देती है और सुन का बॉयफ्रेंड भी उसे सॉरी कहने के लिए कहता है, लेकिन हान कुछ नहीं बोलता और उसे घूर रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो हान को बहुत मारती है। इसके बाद हम हान को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ उसके दो दोस्त भी होते हैं। फिर अगले दिन जहाँ उसे सुन मिली थी, वो उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसे सुन फिर से दिखती है, तब वो उसका पीछा करता है और उसका डेली रूटीन जान लेता है। सुन जब लाइब्रेरी में होती है, तब हान अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आता है। हान का फ्रेंड एक वॉलेट को सुन के पास रख कर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सुन वॉलेट को देखती है और वो उस वॉलेट को उठा लेती है और एक बाथरूम में जाकर चेक करती है, तो उसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं। तब एक आदमी उस वॉलेट को ढूंढने लगता है और उसे सुन पर शक हो जाता है, जिससे वो उसके पीछे भागने लगता है। फिर सुन काफ़ी दूर तक भागती है और एक जगह रुक जाती है। इसके बाद वो आदमी सुन से वॉलेट लेता है और उसमें पैसे चेक करता है। तब वो कहता है, इसमें तो काफ़ी सारे पैसे थे और मेरा एक चेक भी था जो $10,000 का था, अब मेरे सारे पैसे कौन देगा। और वो सुन को धमकी देने लगता है। अब वो आदमी कहता है, मुझे नहीं पता तुम मुझे पैसे कैसे दोगी, लेकिन मुझे अपने सारे पैसे चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम लोन भी ले सकती हो। तब सुन कहती है, मुझे लोन कौन देगा। फिर वो आदमी कहता है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो तुम्हें लोन दे सकते हैं। फिर वो आदमी उसे एक गैंग के पास लेकर आता है और वो वहाँ पर पैसों के बदले कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसमें लिखा होता है अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाए, तब उसकी बॉडी पर उस गैंग का हक होगा। इसके बाद हमें पता चलता है ये सारा प्लान हान का ही था और वो आदमी भी उस ही प्लान का हिस्सा था। फिर सुन उनके चंगुल में फंस जाती है। हान अपना धंधा रास्ते पर चलाता है और जब भी वहाँ पुलिस आती है, तब उसका दोस्त मियोंग पुलिस को रिश्वत देकर वहाँ से सलटा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सुन उस गैंग के आदमी के पास है और वो आदमी उससे कहता है, तुम पैसे नहीं दे पा रही हो तो तुम क्या करोगी। सुन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ पर हान के फ्रेंड आ जाते हैं, जो उस आदमी को बहुत मारते हैं। फिर हान के फ्रेंड उसे अपने अड्डे पर लेकर आते हैं, जहाँ पर उस धंधे की लीडर सुन से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तब वो लीडर उसे मारती है। इसके बाद सुन उससे बात करने लगती है और फिर वो लीडर सुन को शॉपिंग कराती है। फिर उसे एक डमी की तरह शॉप के अंदर बैठा दिया जाता है। फिर रास्ते पर एक आदमी जा रहा होता है, जिसे सुन पसंद आ जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को रूम के अंदर देखते हैं। सुन इंटीमेट होने के लिए राजी नहीं होती, जिससे वो स्ट्रगल करने लगती है। उस रूम में एक वन वे मिरर भी होता है, जहाँ से हान सब कुछ देख रहा होता है। फिर हान अपने फ्रेंड को भेजता है और उसका फ्रेंड उस आदमी को बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लीडर सुन से बात करने आती है और वो उससे कहती है, तुम मान क्यों नहीं रही हो। जिस पर सुन कहती है, मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होना है। इसके बाद हम उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड को गाड़ी में देखते हैं, जो पूछता है, अचानक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फिर सुन उसे हक करती है और ये सब हान भी देख रहा होता है, जिसे देखकर उसे जेलस फील होता है और वो सुन के बॉयफ्रेंड को गाड़ी से निकालकर बहुत मारता है। लेकिन सुन उस टाइम भी हान को नहीं देख पाती। फिर इसके बाद सुन की लीडर सुन के पास एक आदमी को भेजती है और उसे ज़बरदस्ती इंटीमेट होने के लिए कहती है। तब हान उस लीडर के पास आता है और उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब वो कहती है कि उसे उसकी औकात पता चलनी चाहिए। इसके बाद वो आदमी ज़बरदस्ती सुन के साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर एक दिन हान सुन के पास जाता है। सुन को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, इसलिए वो सुन को एक ड्राइंग बुक देकर आता है। इसके बाद हान अपने फ्रेंड के साथ बैठा होता है, उनमें से एक फ्रेंड का नाम मियोंग होता है। वो कहता है, सुन बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो हमेशा से एक कॉलेज गर्ल को डेट करना चाहता था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं सुन अपने रूम में अकेली होती है और ड्राइंग बुक को देख रही होती है। हान भी वन में मिरर के थ्रू उसे देख रहा होता है। फिर हान देखता है कि उसका फ्रेंड मियोंग सुन के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। वो कहता है, तुम्हारी इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। फिर वो सारा सच सुन को बता देता है कि कैसे हान ने उसे सब में फंसाया है, जिसे सुनकर सुन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो हान के पास आती है और उसे मारती है।
फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हान अपने फ्रेंड पर गुस्सा होता है और उसे एक हॉकी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मारता नहीं है। फिर मियोंग अपने दूसरे फ्रेंड से कहता है कि मैं सुन को लाइक करता हूँ, इसलिए मैंने उसे सारा सच बता दिया। अब सुन बहुत दुखी हो जाती है और वो बहुत रोती है। फिर उसकी लीडर उसके पास जाती है, तब सुन उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों कर रखा है और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। फिर वो लीडर उसे अपनी बॉडी दिखाती है। उस लीडर की बॉडी पर भी बहुत सारे चोट के निशान होते हैं, क्योंकि उसने भी सुन की तरह ये सब झेला था, जिसके लिए उसे काफ़ी मारा गया था। इसके बाद सुन काफ़ी ड्रिंक्स करती है, उसके बाद वो सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं रात में ही हान उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर सुन उठती है और हान पर ही वॉमिट कर देती है। फिर हम देखते हैं हान दूसरी औरत के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन उसे ये सब गलत लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन सुन रेडी हो रही होती है, तब वो अपने आप को डिप्रेस फील करती है और वो मिरर की तरफ देख रही होती है। दूसरी तरफ से हान भी उसे देख रहा होता है। हान उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हान को उसके पास काम करने वाली एक लड़की बुलाती है और कहती है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसे लग रहा होता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर वो उस लड़की के रूम में जाता है और सब कुछ चेक करता है। फिर उसे वहाँ एक कैमरा मिलता है। ये कैमरा हान के दूसरे फ्रेंड ह्यून ने लगाया होता है। फिर इन सब की जो लीडर होती है वो ह्यून को बहुत सुनाती है और उसे मारती है। ह्यून फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद म्यूंग हान को समझाता है कि उसके फादर को कैंसर है और उनके लाश के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने वाले थे, इसलिए ही उसने ये सब किया होगा जिससे वो कुछ ज़्यादा पैसे कमा सके। हान फिर ह्यून के पास जाता है और उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं सुन वहाँ पर नई लड़की है, इसलिए सारे कस्टमर उसी के पास जाते हैं। जो दूसरी लड़कियाँ होती हैं वो उससे झगड़ा करती हैं। फिर मियोंग ह्यून से बात करता होता है। वो कहता है क्या मुझे हान को जाकर बता देना चाहिए कि मैं सुन से प्यार करता हूँ। वो हान के पास जाकर कह देता है कि सब कुछ सही रहा तो मैं सुन से शादी करने वाला हूँ और तुमने सुन के साथ जो भी किया मैं उस सब के लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगा। फिर वो सुन के पास जाता है और उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है। सुन उससे कहती है अगर सचमुच तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो। फिर वो सुन को बाहर निकलने में मदद करता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उसे उसके घर के पास देखते हैं, तभी हान वहाँ आकर उसे फिर से उठा लेता है। मियोंग को जब पता चलता है कि हान सुन को उठाने गया है, तब वो कहता है ये भी अच्छा रहेगा, मैं सुन को काफ़ी मिस कर रहा हूँ। हान सुन को बीच पर लेकर आता है और वहाँ वो एक लड़की को देखता है जो रेड ड्रेस पहनी हुई थी और वो समुद्र की तरफ जा रही थी। इसके बाद जब वो वहाँ बैठे होते हैं तब सुन को वहाँ पर कुछ फाड़े हुए फोटो मिलते हैं। वो उन्हें उठाकर अपने पास रख लेती है। सुन हान से कहती है प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन हान उसे वापस लेकर आता है। फिर उस रात हान सुन के साथ उसके बेड पर होता है और रोने लगता है। रोते रोते ही वो सो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हान की गैंग का जो मेन बॉस था वो जेल में था और अब वो छूटकर वापस आ चुका था। फिर वो सुन के पास जाना चाहता है, लेकिन हान को ये ठीक नहीं लगता। तब वो अपने फ्रेंड को बेचकर बॉस को रूम से बाहर निकलवा देता है। बॉस का एक राइट हैंड भी होता है जो हान को इस बात को लेकर बहुत ही मारता है। फिर इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और हान उस आदमी को मार देता है। फिर बॉस हान से कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बॉस ऐसा नाटक तो करता है कि उसने हान को माफ़ कर दिया, बट उसने नहीं किया होता है, और वो अपने दूसरे आदमी को भेजता है जो हान के पेट में शीशा घुसा देता है। हान बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी इलाज मिलने के बाद वो बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यून और म्यूंग दोनों फ्रेंड मज़े कर रहे होते हैं, तभी पुलिस उनके पास हफ्ता लेने आके लिए आती है। ह्यून पुलिस की तरफ घूरता है, तब पुलिस वाला कहता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर म्यूंग उसे समझाता है कि उसकी आँखें ही ऐसी हैं, तुम उसे इग्नोर करो। ह्यून पुलिस वाले से काफ़ी चिढ़ गया होता है, इसलिए वो रात में जाकर उसे मार देता है। हान को जब ये बात पता चलती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अगर ह्यून जेल में गया तब उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ह्यून के फादर भी बीमार रहते हैं। हान को उस पर तरस आ जाता है और फिर वो उसकी जगह जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। हान पहले भी जेल में जा चुका है तो इसलिए इस बार उसे फांसी होगी। सुन को जब हान के बारे में पता चलता है तब वो बहुत सैड हो जाती है। तब उसके पास वो लीडर आती है और वो सुन को कहती है कि हान की वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, फिर भी तुम उसके लिए सैड हो, क्या तुम उसके साथ कुछ बात करना चाहती हो। इसके बाद हम देखते हैं ह्यून सुन को लेकर हान के पास आता है। सुन हान से चिढ़कर बोलती है तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है और तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। ह्यून जब सुन को वापस लेकर जा रहा होता है तब वो बीच रास्ते में ही गाड़ी रोक लेता है और सुन को कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। वो उसे आज़ाद कर रहा होता है, लेकिन सुन मना कर देती है। फिर हम देखते हैं सुन ने जो बीच से फोटोग्राफ उठाई थी उसमें हान और उसके साथ एक लड़की है। ये वही लड़की होती है जो हान बीच पर देख रहा होता है।
फिर हम देखते हैं एक और पुलिस वाला उनके एरिया में आता है। तभी ह्यून डिसाइड करता है कि वो उस पुलिस वाले को मार देगा और जेल में चला जाएगा। फिर वो उस पुलिस वाले को मार देता है और जेल में आ जाता है। जेल में भी उसकी सेलमेट के साथ उसकी नहीं जमती। फिर वो उन लोगों से मार खाता है। फिर हम देखते हैं हान की फांसी का दिन आ जाता है। तभी ह्यून बहुत ही ड्रामा करता है और एक गार्ड उसे शांत करने के लिए आता है। तब वो गार्ड को जेल के अंदर बंद करके खुद बाहर आ जाता है और वो हान को मारने लगता है और उसे कहता है कि तुम सच बता दो, तुम्हारी लाइफ बच सकती है। इसके बाद हान सबको सच बता देता है और जेल से बाहर आ जाता है। हान फिर से बन में मिरर के थ्रू सुन को देखता है। फिर सुन को खबर मिलती है कि हान जेल से बाहर आ चुका है। हान सुन से मिलने जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और उसे हक करके रोने लगती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं हान ने जिस जगह पहली बार सुन को देखा था वो वहीं पर उसे ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद म्यू हान से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं सुन से प्यार करता था। फिर ये ड्रंक हो जाते हैं और इन दोनों में फाइट हो जाती है और इस फाइट में म्यू हान के पेट में चाकू डाल देता है। इसके बाद वो अपना इलाज कराकर बच जाता है और वहां से चला जाता है। हान जिस बीच पर सुन को लेकर आया था, सुन उसी बीच पर पहुंच जाती है और उसी स्पॉट पर फोटोग्राफ्स के टुकड़े ढूंढने लगती है क्योंकि उसमें फेसेस का टुकड़ा कम था। जब उसे वो टुकड़ा मिलता है तो फोटो कंप्लीट होती है और वो देखती है हान की जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो बिल्कुल सुन के जैसी ही थी। पहली बार हान ने जब सुन को देखा था तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन हान ने सुन के साथ जो भी कुछ किया था वो बिल्कुल गलत था। और सुन को रियलाइज होता है कि हान उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिस ड्रेस में हान की गर्लफ्रेंड की फोटो होती है वो उसी ड्रेस को खरीद कर लाती है और वो भी बीच पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां पर हान भी आ जाता है और दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हान एक ट्रक खरीदता है। यहाँ पर वो अपना कंप्लीट बेड लगाता है ताकि वो वहाँ पर रह सके और खाने पीने का सामान भी रखता है। इसके बाद हान और सुन एक नई सिटी में जाते हुए भी दिखाई देते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सके। सबको लगता था कि हान अब मर चुका है, जिससे गैंग वाले उसे नहीं ढूंढते। अब हान और सुन अपनी नई जिंदगी बिताने के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।